गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह कंडारी एंड वाईके ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पे आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, वाईके ऑनलाइन एजुकेशन चैनल के माध्यम से हिंदी और चित्रकला के अतिरिक्त हमने एक नई सीरीज आजकल शुरू की है जिसका नाम है वन डे वन टॉपिक। आज के टॉपिक में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस टॉपिक को जानने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए जानकारियाँ या सुझाव कहें आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है फीफा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। आप कह रहे होंगे आज फीफा क्यों शुरू किया? फीफा शुरू इसलिए किया, फुटबॉल का महाकुंभ आने वाला है सन 2022 के अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर के महीने में। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि फुटबॉल का जनक देश किसे कहा जाता है। फुटबॉल का जो जनक देश है वो इंग्लैंड को कहा जाता है। इंग्लैंड ने ही फुटबॉल की शुरुआत की थी, मगर जब शुरू में इंग्लैंड में फुटबॉल की शुरुआत हुई थी उस समय भीड़ के द्वारा एक गेंद को पैरों से मारा जाता था जिसे मॉब बॉल कहा गया। बाद में जाके यह फुटबॉल कहलाया। तो इस प्रकार फुटबॉल की शुरुआत इंग्लैंड से मानी जाती है। फुटबॉल के जादूगर किस प्लेयर को कहते हैं? फुटबॉल के जादूगर जिन प्लेयर को कहा जाता है उनका नाम है पेले, और ये ब्राज़ील देश से संबंधित हैं और ब्राज़ील के बारे में कुछ हम फुटबॉल से संबंधित कुछ पहलुओं को अभी अध्ययन करेंगे। क्या भारत फुटबॉल का वर्ल्ड कप खेलेगा? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वीडियो के अंत में जरूर दूंगा। तो आइए जानते हैं, फीफा का जो हेडक्वार्टर है ये ज्यूरिख में है और ज्यूरिख पड़ता है आपके स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड पड़ता है आपके सेंट्रल यूरोप में, यानी कि यूरोप के मध्य में। स्विट्जरलैंड एक बहुत खूबसूरत सा देश है, उसमें ज्यूरिख एक जगह है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। फीफा ने वर्ल्ड कप या फुटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत कब से की? 1930 से दुनिया में फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हुए और पहले वर्ल्ड कप का जो पहला विजेता बना उस देश का नाम था आपके उरुग्वे। और जो फीफा वर्ल्ड कप पहला हुआ था ये 1930 ईस्वी में हुआ था। ये लगभग 13 जुलाई से 30 जुलाई तक फीफा वर्ल्ड कप चला था। इसके बाद क्रमशः वर्ल्ड कप चलते रहे और वर्ल्ड कप होते रहे। सन 2018 में ही वर्ल्ड कप की फिर से बात आई और 2018 में जो कंट्री वर्ल्ड कप जीती उसका नाम तो फ्रांस था और उन्होंने क्रोशिया को हराया था। बट जो ये वर्ल्ड कप 2018 के आयोजित किए गए ये रशिया में आयोजित किए गए थे। इसके बाद जो संस्करण अब 2022 में हो रहा है ये 22वां संस्करण है फुटबॉल का और ये मध्य एशिया के एक छोटे से देश कतर में खेला जाएगा। अमूमन होता यह है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप जून से जुलाई के महीने में खेला जाता है, मगर इस बार क्यों नवंबर दिसंबर में खेला जा रहा है फुटबॉल वर्ल्ड कप? इसके पीछे कारण यह है कि कतर की जो जलवायु है काफ़ी गर्म जलवायु है और वहाँ पर जून और जुलाई के महीने में लगभग तापमान रहता है 40 से 50 डिग्री। इसलिए ये खेल इस बार नवंबर टू दिसंबर में कतर में खेला जा रहा है। और जो ये खेल कतर में खेला जा रहा है 22वें वर्ल्ड कप का, ये 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक चलेगा, यानी कि इसमें 28 दिनों तक ये खेल चलेगा। और लुसेल एक स्टेडियम पड़ता है कतर में, यहाँ पे 80,000 दर्शक बैठ सकते हैं इस स्टेडियम में। यहाँ पर 18 दिसंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। जो इसका फॉर्मेट रहेगा फुटबॉल वर्ल्ड कप का, इसमें यह होगा कि 8 ग्रुप बनेंगे, हर ग्रुप में 4 टीमें होंगी, तो यानी कि 32 टीमें वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगी। और इन 32 टीमों में जो 8 ग्रुप बनेंगे उनमें से जो टॉप के 2 टीमें रहेंगी हर ग्रुप की, वो अगले मैच खेलेंगी, यानी कि नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगी, यानी कि 16 टीमें नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगी। इस प्रकार से ये फुटबॉल वर्ल्ड कप इस बार आयोजित किया जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप के साथ साथ हमें ये भी जानना पड़ता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पुरुष फुटबॉल वर्ल्ड कप की, हमें महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में भी जानना जरूरी बन जाता है। तो अगर हमें क्वेश्चन आता है या जानने की या क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ, तो 1991 में सबसे पहले महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हुआ, स्थान था चीन और पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप यूएसए ने जीता नॉर्वे को हरा के। यूएसए महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप में वो टीम है जो 4 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत चुकी है। 2019 में भी यूएसए ने फुटबॉल महिला वर्ल्ड कप जीता था और अब ये जो होगा 4 साल में एक बार आयोजित होता है, 2023 में ये आयोजित किया जाएगा 2 देशों के संयुक्त प्रयास से, और ये 2 देश हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इस प्रकार से महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप भी होगा। कुछ प्रश्न बनते हैं फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप से संबंधित, उन्हें जानते हैं।
फीफा वर्ल्ड कप कितने देश फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे? आपका आंसर होगा 32 कंट्री। फीफा वर्ल्ड कप कहां आयोजित किया जाएगा? आपका आंसर होगा कतर। सर्दियों में क्यों हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप? जलवायु या मौसम के कारण सर्दियों में फीफा वर्ल्ड कप इस बार आयोजित किया जा रहा है। सबसे ज्यादा बार किसने फीफा वर्ल्ड कप जीता? आपका आंसर होगा ब्राजील, एकमात्र ऐसा देश जिसने 5 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है। और एक क्वेश्चन मैं शुरू में आपसे कह रहा था कि क्या भारत फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा? नहीं, भारत अभी फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले पाएगा क्योंकि हमारी टीम की रैंक अभी टॉप 32 में नहीं है। और आशा है कि मुझे भविष्य में जल्दी हमें टॉप 32 रैंक पर अपनी टीम देखने को मिले। अभी जो आंकड़ों के अनुसार या प्राप्त जानकारियों के अनुसार हमारी जो टीम की रैंक है वो 104 नंबर पे है और आने वाले टाइम में इसमें सुधार होगा और हमारी टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप जरूर खेलेगी, मैं यही आशा करता हूँ। और अगर आपको मेरे द्वारा फुटबॉल से संबंधित दी गई जानकारियाँ वन डे वन टॉपिक में जो भी जानकारियाँ मैंने आपको दी है आपको समझ में आई, आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।